हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट किए थे हम लोग, एक लेक्चर देख चुके थे इंट्रोडक्शन पार्ट। आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरी के बारे में जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड दिया गया सबसे पहला थ्योरी है, जिसको कि हम लोग वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, शॉर्ट में इसको हम लोग WCT लिखेंगे। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फील्ड का सबसे पहला थ्योरी है या वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो कि दिया गया था अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा 1893 में। और 1893 में यह थ्योरी दिया गया और ठीक इसके 20 साल बाद 1913 में इसी वर्क के लिए अल्फ्रेड वर्नर को जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब जिस थ्योरी के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिला हो, समझ सकते हो कि वह थ्योरी कितना रिवॉल्यूशनरी रहा होगा, मतलब कितना इम्पॉर्टेंट थ्योरी रहा होगा। पता है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फील्ड का सबसे पहला थ्योरी है या वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा दिया गया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी जो है नवाजा गया, या एक पायोनियर वर्क के लिए है। क्या या वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी तो बड़ा सा थ्योरी है, कुछ पॉस्टुलेट्स हैं इसके, उन्हीं पॉस्टुलेट्स को हम लोग डील करते हैं। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या बोलता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो उसका मेटल एटम होता है, उस मेटल एटम का दो प्रकार का वैलेंसी होता है। एक कहलाता है उसका प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा कहलाता है उसका सेकेंडरी वैलेंसी। देखो कितना ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जो बात हम लोग जान रहे थे ऐसा कुछ नहीं पता था, अभी तक बस इतना ही जान रहे थे मेटल है तो उसका एक नॉर्मल सा वैलेंसी होना है। लेकिन यहाँ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बता रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम होता है उसका दो प्रकार का वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें से क्या फीचर्स हैं दोनों के, उसी को हम लोग को डील करना है। तो प्राइमरी वैलेंसी में है कि यह केवल नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड किया जाएगा, केवल नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी में नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी रह सकते हैं। ऐसा सो द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल इज सेटिस्फाइड ओनली बाय नेगेटिव आयंस, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और इवन पॉजिटिव आयंस ऑल्सो। पॉजिटिव आयन जनरली किसी से बॉन्ड बनाता नहीं है, मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का, लेकिन रेयरली हो ही जाता है कभी ना कभी इसमें। तो एक अंतर ही हो गया कि प्राइमरी वैलेंसी में केवल नेगेटिव आयन, सेकेंडरी वैलेंसी में सारे हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल सब। प्राइमरी वैलेंसी जो है वह आयोनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल कहने का मतलब कि डिसोसिएट इनटू आयंस। तो आयन में अपने नहीं टूटेगा वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, फेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, कि जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो यह कंप्लीटली पूरी तरह से अपने मतलब कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वह आयन में टूट जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी में अब जितने भी आयन्स होंगे सभी टूट जाएंगे, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वह नॉन आयोनाइजेबल होता है, या नॉन आयोनाइजेबल है। नॉन आयोनाइजेबल मतलब कि नहीं टूटेगा, डज नॉट डिसोसिएट, चाहे पानी में घोलो
या नाग हो लो, नहीं आयरन में टूटेगा मतलब नहीं ही टूटेगा। प्राइमरी वैलेंसी जो है यह नॉन डायरेक्शनल होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? नॉन डायरेक्शनल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल होने का मतलब समझ रहे हो कि यह मेटल एटम से एक सर्टेन डायरेक्शन से जुड़ेगा, और जब कोई भी चीज़ सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज हो तो इससे एक रेगुलर शेप मिलता है। ऐसा इसका मतलब हुआ कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इस सेकेंडरी वैलेंसी से एक सर्टेन ज्योमेट्री मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जबकि इसका ज्योमेट्री से कोई लेन देन नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है। उसके बाद यह जो प्राइमरी वैलेंसी है, यह प्राइमरी वैलेंसी जब मेटल एटम से जुड़ता है तो इसको ऐसा डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, यह प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी में जो भी नेगेटिव आयंस हैं जो कि मेटल एटम से जुड़ रहा है तो उसके अटैचमेंट को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी के अटैचमेंट को हमेशा एक बोल्ड लाइन से, एक सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है। तो बेसिकली ये चार मेन पॉइंट्स हुए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से रिलेटेड, कि प्राइमरी वैलेंसी में नेगेटिव आयंस होगा, सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है मतलब जो भी नेगेटिव आयंस प्राइमरी वैलेंसी में हैं वे सभी टूट जाएंगे आयन में जब उसको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में जो नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वह कभी भी आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा, तुम वाटर में उसको घोलो या ना घोलो। या नॉन डायरेक्शनल है मतलब प्राइमरी वैलेंसी को मेटल एटम में कोई भी डायरेक्शन से जोड़ सकते हो, जबकि इसमें नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही जुड़ेगा, और जब कोई चीज़ डायरेक्शनल हो तो उससे एक डेफिनेट शेप या डेफिनेट ज्योमेट्री मिलता है। मेटल एटम को प्राइमरी वैलेंसी से यदि दिखाते हैं तो इसका अटैचमेंट हम लोग एक डॉटेड लाइन या ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, जबकि यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी का जो अटैचमेंट है मेटल से उसको एक सॉलिड लाइन या फिर बोल्ड लाइन से जो है हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब कभी कदाल क्या होता है ना कि जो मेटल एटम होता है वह मेटल एटम हमेशा चाहेगा कि इसका प्राइमरी वैलेंसी भी पूरा हो और सेकेंडरी वैलेंसी भी पूरा हो। हमेशा एक मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा चाहता है कि इसका प्राइमरी वैलेंसी भी पूरा हो, सेकेंडरी वैलेंसी भी पूरा हो, और इस चक्कर में एक पर्टिकुलर नेगेटिव आयन दोनों काम करेगा, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा तो डॉटेड से दिखाएंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोल्ड से दिखाएंगे। माने यदि केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है तो डॉटेड, सेकेंडरी वैलेंसी कर रहा है तो बोल्ड, लेकिन दोनों कर रहा है तो फिर ऐसे दोनों लाइन दिखाना होगा। तो दोनों लाइन का मतलब हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी है और ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो अभी तक का तीन पॉइंट्स में हम लोग क्या देख लिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम है दो प्रकार के वैलेंसी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर हमने देखा प्राइमरी वैलेंसी के इतने सारे फीचर्स हैं कि यह हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होगा, आयोनाइजेबल है, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद टूट जाएगा उसका आयन, और फिर नॉन डायरेक्शनल है, अटैचमेंट हम लोग दिखाते हैं ऐसे डॉटेड से। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या बताएं कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी प्रकार के आयन्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, नॉन आयोनाइजेबल है, आयन में नहीं टूटेगा, डायरेक्शनल है इसलिए यह ज्योमेट्री देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, अटैचमेंट को ऐसा सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। फिर हम बोले कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा एक मेटल एटम चाहता है कि इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों पूरा हो, और इस चक्कर में एक पर्टिकुलर नेगेटिव आयन दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में वह दोनों लाइन से जुड़ेगा, डॉटेड से भी और बोल्ड लाइन से भी, या फिर हम लोग बोलें कि कंटिन्यूअस लाइन से भी। अब मेन पॉइंट्स तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के यही थे, अब इसी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को जो है जब अभी के समय में मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में समझोगे, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को यदि आप मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में समझोगे तो ऐसे समझना हम लोग को कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वह बन जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है
वह बन जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी क्या है दोनों पढ़ेंगे आगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट वर्नर का है, लेकिन यह ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट वर्नर का नहीं है, यह मॉडर्न कंसेप्ट है। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का चर्चा ना करके ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का चर्चा जो है हम लोग करते हैं या करेंगे आगे। अब मेटल एटम या आयन जो भी हो प्लस सेकेंडरी वैलेंसी, ये पूरा को लिखा जाता है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि वर्नर के अनुसार जो मेटल एटम या आयन और उसके साथ जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, अब उसको मॉडर्न समय में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और बचा अब प्राइमरी वैलेंसी, तो यह प्राइमरी वैलेंसी जो है हमेशा आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होता है। मतलब ऐसा समझो ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ बीच में होगा तुम्हारा दो चीज़, मेटल प्लस प्राइमरी वैलेंसी, और बाहर में होगा सेकेंडरी वैलेंसी। बाहर में जनरली राइट साइड होता है, नेगेटिव आयन है तो राइट साइड दिखते हैं, इधर नहीं राइट साइड। तो दिस इज द फॉर्मेशन या दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी के समय में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो समझ जाओगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल है और सॉरी इसका यहाँ प्राइमरी नहीं सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी बाहर है। अच्छा, क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। तो यह जो थ्योरी आया वर्नर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, अब इस एक्सपेरिमेंट को या इस थ्योरी को वे वेरीफाई किए एक्सपेरिमेंटली कुछ कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल कंसिडर करके। और कौन सा कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लिए, तो अपने थ्योरी का वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कोबाल्ट 3 एमीन कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल लिया, कोबाल्ट 3 एमीन कॉम्प्लेक्सेस, डबल एम होता है यहाँ, कोबाल्ट 3 एमीन कॉम्प्लेक्सेस। और इसी कोबाल्ट 3 एमीन कॉम्प्लेक्सेस पे ही सारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया वर्नर्स ने। और यह वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने दो मेथड्स को चूज किया, एक प्रिसिपिटेशन मेथड और दूसरा कंडक्टिविटी मेजरमेंट। और इस दो बेसिस पे जो है उन्होंने अपने थ्योरी को साबित किया, अपने थ्योरी को वेरीफाई किया। सो वर्नर्स वेरीफाइड हिज कोऑर्डिनेशन थ्योरी टू कोबाल्ट 3 अमीन कॉम्प्लेक्सेस बाय प्रेसिपिटेशन मेथड एंड फर्दर कन्फर्म्ड बाय कंडक्टिविटी मेजरमेंट। तो क्या है ये दोनों, इसी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें से प्रेसिपिटेशन मेथड को लेकर के चलेंगे हम लोग। और उसमें से कोबाल्ट 3 एमीन कॉम्प्लेक्सेस में जो पहला कॉम्प्लेक्स है वह COCl3 6NH3, कोबाल्ट है, 3 क्लोरीन है, 6 अमोनिया है। वर्नर ने क्या किया कि इस कॉम्प्लेक्स को COCl3.6NH3 को डिजॉल्व किया एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है वाटर में बहुत ही अच्छे से सॉल्युबल है, तो वाटर में डिजॉल्व करके सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया वर्नर ने। और एक्सेस था मतलब सिल्वर नाइट्रेट का इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया गया था, लार्ज अमाउंट था। तो जब इस कॉम्प्लेक्स का एक मोल, देखो इस कॉम्प्लेक्स का भी एक ही मोल है, तो जब इस कॉम्प्लेक्स के एक मोल को सिल्वर नाइट्रेट का एक्सेस सॉल्यूशन से डिजॉल्व किया गया, तो देखा गया कि यहाँ 3 मोल AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा था। 3 मोल AgCl क्या मिल रहा था, प्रिसिपिटेट के रूप में। ऐसे समझो इसको कि जैसे मान लो यह सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का है। तो सिल्वर नाइट्रेट का है तो इसमें सिल्वर आयन रहेगा और ऐसा रहेगा नाइट्रेट आयन, दोनों सॉल्युबल है, डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, वाटर में ऐसे ही रहेगा।
अब इसमें हम मिला रहे हैं ये वाला कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है और अमोनिया है। तो जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को मिलाया गया इसमें, तो देखा गया कि इसमें ऐसे नीचे प्रिसिपिटेट बन रहा था, और प्रिसिपिटेट किसका बन रहा था, AgCl का। कितना मोल बन रहा था, तो 3 मोल। तो AgNO3 तो पहले से ही हम लोग ज़्यादा लिए हैं, इसका मतलब कि बहुत सारा सिल्वर आयन है और बहुत सारा नाइट्रेट आयन है। लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स को मिलाया गया, तो मिलाने के बाद 3 मोल ही AgCl बन रहा था। तो ठीक है, जो 3 सिल्वर है तीनों सॉल्यूशन से आया, बाकी 3 क्लोरीन कहाँ से आया। तो जाहिर सी बात है कि 3 क्लोरीन इस कॉम्प्लेक्स से आया, देखो 3 क्लोरीन है। और जब तक इस कॉम्प्लेक्स से तीनों क्लोरीन टूट करके अलग ना होगा, तब तक यह सिल्वर से कैसे जुड़ेगा। तो सिल्वर से जुड़ने के लिए इस कॉम्प्लेक्स से ये तीनों क्लोरीन को अलग होना होगा, मतलब ये जो 3 क्लोरीन है इस कॉम्प्लेक्स में, ऑल दिस 3 are ionizable, ये तीनों आयन में टूट रहा है। और जैसा कि अभी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो आयोनाइजेबल होता है वह सेटिस्फाई करता है प्राइमरी वैलेंसी। तो इसका मतलब हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में CO++ इसका सेंट्रल मेटल आयन हुआ, 3 क्लोराइड आयन जो है, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन मतलब जो सेंटर में रहेगा। 3 क्लोराइड आयन जो है वह प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। चूंकि यह 6 अमोनिया आयन में नहीं टूट रहा है, तो ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल सारे के सारे प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे हम लोग को यही पता चला कि जब एक्सेस में डिजॉल्व, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल को सिल्वर नाइट्रेट का एक्सेस में डिजॉल्व किया गया, तो 3 मोल AgCl मिल रहा था। 3 मोल AgCl मिलने का मतलब हुआ कि यह 3 क्लोराइड आयन दिया है ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो 3 क्लोराइड दिया मतलब ये तीनों क्लोरीन यहाँ से आयोनाइज हुआ है, मतलब ऑल दिस 3 क्लोरीन आर आयोनाइजेबल। और जो आयोनाइजेबल है मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी, अमोनिया आयोनाइज नहीं किया है, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये पता चला यहाँ तक। अब इसके आधार पर जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े, उसमें हम लोग पढ़े कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल है, और उसको हम लोग सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ टोटल कितना है, 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाओ आप सेकेंडरी वैलेंसी में, तो NH3 ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा, NH3 यहाँ भी NH3 और यहाँ भी हो जाएगा NH3 ऐसा। और इवन बोला जाए कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के बाद आया था, जबकि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के पहले। तो यह जो 6 अमोनिया आयन में नहीं टूटा, वह सेकेंडरी वैलेंसी बनाया, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है डायरेक्शनल है, और उसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो ऐसा 6 डायरेक्शन में दिखा दो, बाकी के जो 3 क्लोरीन बचे जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये तो नॉन डायरेक्शनल है, कहीं भी दिखा सकते हो डॉटेड लाइन से। तो दिखा दो 3 क्लोरीन को कहीं भी, तो एक सी एल माइनस यहाँ, एक को इधर दिखा दो, कहीं भी दिखा सकते हो, नॉन डायरेक्शनल है ना, जहाँ इच्छा है वहाँ दिखा सकते हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ इस कॉम्प्लेक्स का अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और इसी को जब मॉडर्न तरीके से दिखाएंगे, तो क्या बताए थे उसमें हम कि मेटल एटम और सेकेंडरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट कोबाल्ट और 6 अमोनिया जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और बाकी जो 3 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी बना रहे हैं वे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो ये मॉडर्न फार्मूला हुआ, और ये वर्नर के अनुसार इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ऐसे ही जो है प्रिसिपिटेशन मेथड से वेरीफाई किया गया इस वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को। चलो ऐसे ही और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया गया वर्नर्स के द्वारा, COCl3.5NH3, इस कॉम्प्लेक्स को लिया गया। और जब इस कॉम्प्लेक्स के 1 मोल को COCl3.5NH3 का 1 मोल को डिजॉल्व किया गया एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो इस बार 2 मोल AgCl मिल रहा था, ओनली 2 मोल्स ऑफ AgCl आर प्रेसिपिटेटेड आउट।
तो ठीक है, सिल्वर तो आ रहा था यहाँ से, लेकिन ये दो क्लोरीन कहाँ से गया, तो इस कॉम्प्लेक्स से देखो, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में इस बार तो क्लोरीन तीन है, लेकिन प्रिसिपिटेट दो मोल बन रहा है, इसका मतलब कि तीन क्लोरीन में से दो ही क्लोरीन यहाँ आयन के रूप में टूटा है, एक क्लोरीन आयन के रूप में टूटा नहीं है। तो जो दो क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में फर्निश हुआ है आयन के रूप में, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करेगा प्राइमरी वैलेंसी। तो अब बचा क्या, तो यहाँ का एक क्लोरीन बचा और यहाँ का पांच अमोनिया बचा, तो ये जो पांच अमोनिया मॉलिक्यूल और एक क्लोराइड है ये सेटिस्फाई करेगा सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ से देखना है कि कितना मोल प्रिसिपिटेट बन रहा है, जितना मोल प्रिसिपिटेट बन रहा है इसका मतलब कि उतना ही क्लोरीन आयन में डिसोसिएट किया और उतना ही क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और बाकी जो बचेगा वो सेटिस्फाई करेगा सेकेंडरी। समझ गए। अब इसमें से पांच अमोनिया तो केवल सेकेंडरी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन यह जो Cl- है दोनों करेगा, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी भी। अब दोनों क्यों करेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ क्लोरीन तो प्योर प्राइमरी ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक नहीं टूटा जो सेकेंडरी करेगा, तो इसमें से यह बता पाना संभव नहीं ना है कि तीन क्लोरीन में कौन सा दो प्राइमरी सेटिस्फाई किया और एक सेकेंडरी किया। इसलिए जो सेकेंडरी में बच जाता है उसको हम लोग दोनों दिखाते हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी, क्योंकि यही क्लोरीन जो है उधर प्राइमरी वैलेंसी के रूप में भी आयोनाइज हुआ है, उसमें टूटा है। तो इस हिसाब से जब इसका शेप बनाओगे तो क्या बनाओगे, कोबाल्ट पांच अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी है, इसका तो डायरेक्शनल नेचर का दिखा दो, एक दो तीन चार और एक पाँच अमोनिया हुआ ऐसा। अब जो एक छठा बच्चा क्लोरीन, उसको हम लोग दोनों लाइन से दिखाएंगे ऐसा, बोल्ड लाइन जो सेकेंडरी वैलेंसी को बता रहा है, अरे प्राइमरी, अभी इसका पोस्टुलेट में हम लोग पढ़े थे कि कभी कदाल क्या होता है कि एक सिंगल नेगेटिव आयन दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। तो यह जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया वर्नर्स के अनुसार। तो बाकी का जो दो क्लोरीन बचा था वो नॉन डायरेक्शनल है, कहीं भी दिखा दो, एक इधर दिखा दो, एक इधर दिखा दो ऐसा। तो डायरेक्शनल है केवल सेकेंडरी, उसी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाना है, बाकी का जो प्राइमरी बच रहा है उसको जहाँ इच्छा है वहाँ लटका सकते हो। इसी को जब आप मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर क्या क्या होता है, मेटल आइटम और सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोबाल्ट सेकेंडरी वैलेंसी में है पांच अमोनिया एक क्लोरीन, मैंने जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है उसको भी अंदर ही रखना है, और बाकी दो क्लोरीन केवल प्राइमरी, तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा दिस वन। तो ये हो गया मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ जो है दिस वन इज वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो इसमें होगा वह क्या होगा, एकक अमोनिया को कम करते जाना है बस। तो नेक्स्ट है COCl3.4NH3। अब जब इस कॉम्प्लेक्स को डिजॉल्व किया गया एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में, इस बार जो है मात्र एक मोल AgCl मिल रहा था, एक मोल, तो एक ही मोल AgCl मिल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स से केवल एक Cl- अलग हुआ है, और यही एक Cl- यहाँ प्राइमरी वैलेंसी बनाएगा। जो चार अमोनिया है आयोनाइज नहीं किया तो इस सेकेंडरी वैलेंसी होगा, तीन क्लोरीन में चूंकि एक आयोनाइज किया तो बाकी के तो दो बच गए, तो ये जो दोनों बच गए ये दोनों प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी भी करेंगे, दोनों करेंगे, समझे। जब इस कॉम्प्लेक्स को डिजॉल्व किया गया तो एक ही मोल AgCl मिला, तो एक मोल AgCl का मतलब हुआ कि एक ही क्लोरीन यहाँ से हटा है, और एक ही हटा मतलब वही एक प्राइमरी वैलेंसी बनाएगा, और बाकी का जो दो बच गया वह क्या बनाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। और ये तो अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, केवल और केवल क्या बनाएगा, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों केवल नेगेटिव आयन बनाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यह हमेशा केवल क्या बनाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस सिद्धांत पे आप शेप बनाओ, इसका दो शेप बन सकता है, एक ऐसा CO4NH3 को ऐसे चार कोनों में दिखाओ ऐसे, और बाकी जो दो क्लोरीन बचे दोनों को ऊपर नीचे दिखा दो, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों से ऐसे। और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, CO Cl Cl, बाकी चार अमोनिया दिखा दो इधर
अरे कैसे, अच्छा दोनों में क्या अंतर है? इसमें दोनों सीएल अपोजिट है और इसमें से दोनों सीएल अगल बगल है, तो अगल बगल होता है तो सिस कहलाता है, अपोजिट हो तो क्या कहलाता है? ट्रांस कहलाता है। तो जब इसका फॉर्मूलेशन करोगे मॉडर्न में तो ऐसा हो जाएगा CO NH3 का होल फोर Cl2, और एक ही Cl आयनाइज हुआ है तो एक ही बाहर रहेगा, तो E वाला हुआ यहाँ हम लोग लिखेंगे CC या ट्रांस लिखेंगे। तो यदि इसको आप ट्रांस बना रहे हो तो यहाँ आप लिखोगे ट्रांस, और यदि सीस वाला बना रहे हो तो यही चीज़ लिखाएगा केवल सीस में कोबाल्ट NH3 का होल फोर Cl2 और Cl। ऐसा तो दो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अब एक लास्ट जो अगला कॉम्प्लेक्स लिया गया वह कुछ ऐसा, इस बार लिया गया COCl3 और 3NH3। अब जब इसको डिजॉल्व किया गया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन में, इस बार नो प्रिसिपिटेट, कोई AgCl का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। प्रिसिपिटेट बनता है AgCl का, क्योंकि AgCl जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, तो प्रिसिपिटेट इसी का बनता है। लेकिन इस बार कोई प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा था, इसका मतलब कि कोई क्लोरीन यहाँ से हटा नहीं। सिल्वर में तो कोई कमी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है सॉल्यूशन में, लेकिन ये प्रिसिपिटेट तभी बनेगा जब इसको क्लोराइड मिलेगा, और क्लोराइड कहाँ से आ रहा था? तो कॉम्प्लेक्स से। तो इस बार कोई प्रिसिपिटेट नहीं बना, मतलब यहाँ का कोई भी क्लोरीन आयोनाइज नहीं किया। तो इसका मतलब इस बार क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो तीन अमोनिया है ये प्योर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, और तीन क्लोराइड जो है दोनों करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये तीनों क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों। पता थे ना कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है अभी के समय में, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब चूंकि यह दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा। अब इसी आधार पर स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका, तो CO NH3 NH3 NH3, बाकी तीन क्लोरीन को दिखा दो दोनों लाइन से। देखिए हाँ, दिस इज माइनस दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ऐसा। इसी का मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो क्या दिखाएंगे? CO NH3 का होल थ्री, सॉरी ब्रैकेट के अंदर ही होगा तीनों क्लोरीन, Cl3 ब्रैकेट के बाहर कुछ, ऐसा। तो यही कोबाल्ट थ्री एमीन कॉम्प्लेक्सेस लिए गए, चार कॉम्प्लेक्स वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें प्रिसिपिटेशन मेथड में अभी तक जो बातें सामने आई वह केवल ई कि कौन सा आयन प्राइमरी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा आयन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और उस आधार पे कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होगा उसको जो है हम लोग जाने। इसी को फर्दर कन्फर्म करने के लिए जो है कंडक्टिविटी मेजरमेंट का इस्तेमाल किया गया। कंडक्टिविटी के बारे में जो बात हम लोग जानते हैं, जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि किसी भी कंडक्टिविटी का मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, कि उस सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं उस पे उसका कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आयंस होगा किसी भी सॉल्यूशन का यूनिट वॉल्यूम में, उतना अधिक उसका जो है क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। तो यहाँ हम लोग बताते हैं कि जो कंडक्टिविटी है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, नंबर ऑफ आयंस का। इसी आधार पर इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे मान लो कि कॉम्प्लेक्स लें यहाँ हम लोग, इस आधार पे इसका कलर, कलर के आधार पे इसका नाम, उसके बाद कितना मोल AgCl बना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड, जैसा कि अभी बताए, उसी आधार पे यहाँ हम लोग लिखें नंबर ऑफ आयंस फॉर्म,
और फिर इसका मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम जो रहेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। ठीक, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स अभी हम लोग लिए थे, एक लिए थे COCl3 6NH3, फिर लिए COCl3 5NH3, फिर लिए COCl3 4NH3, इसी का दो फॉर्म था सिस्ट्रांस तो 4NH3 एक और हो जाएगा, और फिर COCl3 3NH3। कलर अलग है, येलो कलर का है ये, जो है पर्पल है, दिस वन इज ग्रीन, दिस वन इज वायलेट एंड दिस इज ब्लू ग्रीन। तो देख रहे दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है लेकिन अंतर है, एक सिस का है दूसरा ट्रांस का है और उसी के आधार पे कलर अलग अलग है, एक ग्रीन कलर का है तो दूसरा कौन सा कलर का है, वायलेट कलर का है। तो अरेंजमेंट के आधार पे भी जो है कलर वैरी करता है, नाम कलर के आधार पे लिखा गया है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड इसका हो जाएगा परपुरियो, पर्पल है ना इसलिए परपुरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका होता है प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड, प्रेसियो वही ग्रीन टाइप का होता है, ये हो जाएगा फाइलियो कोबाल्टिक क्लोराइड और इसका हम लोग ऐसा कोई नाम नहीं दे। कितना मोल बन रहा था जी, तो इसका 3 मोल AgCl बन रहा था, इसमें 2 मोल बन रहा था, इसमें 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें कोई मोल नहीं बना। आयंस कितना बनेगा तो ज़रा समझोगे बात को, इसका फॉर्मूलेशन हम लोग कैसे किए थे अभी मॉडर्न वाला, तो मॉडर्न फॉर्मूलेशन इसका ऐसा था CO NH3 का होल 6 और बाहर में था Cl3, और जैसा कि हमने पढ़ा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह टूटेगा, टूटेगा कैसे, कॉम्प्लेक्स आयन में, तो ऐसे टूटेगा CO NH3 का होल 6 पर 3+ और 3Cl-, तो ये पूरा एक आयन हुआ और 3 क्लोराइड मिला, तो टोटल आयन कितना मिला, 4, मतलब जितना AgCl का मोल मिल रहा है उससे एक ज़्यादा आयन मिलेगा। कैसे समझे ना कि इस कॉम्प्लेक्स का मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, इसको आयन में तोड़ेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन में टूटेगा, इधर वाला तीनों सिंपलर आयन में, तो 3 और 1 4 आयन टूट गया। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे दिखाओ, 4 आयन तो यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 2 और यहाँ 2, यहाँ कोई आयन नहीं बनेगा, 0। अब इसमें आयन ज़्यादा है तो अभी जो बताया कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन, तो इसमें 4 आयन बन रहा है तो कंडक्टिविटी इसका है 430, इसका हो गया 250, ये दोनों में सेम आयन है तो 100 100, इसमें कोई आयन नहीं है तो कंडक्टिविटी 0। देखो तो यह एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो यह जो कंडक्टिविटी का वैल्यू है, तो जैसा कि हमने बताया कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स, तो जिसमें जिसका ज़्यादा कंडक्टिविटी है मतलब उसमें उतना ज़्यादा आयन बन रहा है, और फिर यहाँ फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl इसको कन्फर्म कर रहा है। तो ये दो टेक्निक या दो तरीके थे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को वेरीफाई करने का, जिसमें कोबाल्ट 3-amine कॉम्प्लेक्सेस को लिया गया वेरीफिकेशन के लिए, जिसको प्रिसिपिटेशन मेथड से समझा गया और बाद में कन्फर्म किया गया कंडक्टिविटी मेजरमेंट से। तो यही था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जनरली आता नहीं है प्लस टू में, क्या कि आएगा भी तो पूरा थ्योरी ही आपको लिखना होगा पूरा। हाँ, ऑब्जेक्टिव बीच बीच से बन सकता है कि प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है कि ऑक्सीडेशन नंबर है, कौन सा आयन क्या सेटिस्फाई करेगा ऐसे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या जनरली नहीं पूछा गया अभी तक IUC का एग्जाम में। रीजन कि यदि आएगा तो भाई पूरा लिखना होगा, 6-7 पेज जितना भी है सब। तो आगे ग्रेजुएशन वगैरह में जो है पूछा जाता है इससे। अब इस वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का जो है ना कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आया था 1893 में, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1896 में, माने इलेक्ट्रॉन का खोज के पहले ही थ्योरी है, और जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो फिर सारे बॉन्डिंग कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रॉन के आधार पे। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा था अभी मेटल और बीच में NH3Cl वगैरह के बीच, वह किस प्रकार का बॉन्ड बन रहा था उसका कोई कंसेप्ट थोड़े आया इससे, और बॉन्डिंग कंसेप्ट बताया कि तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का खोज के पहले ही थ्योरी दिया गया है। तो पहला इसका कमी यही हो गया लिमिटेशन, कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के पहले है,
इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तभी जा करके सारे बॉन्डिंग कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया। तो ये तो बस पूरा बता दिए, लेकिन यहाँ किस प्रकार का बॉन्ड बना है मेटल एटम और उस प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बीच, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह थ्योरी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को नहीं बतलाता है, कॉम्प्लेक्स के कलर को नहीं बतलाता है, और भी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जितने भी उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करता है। तो जो डिस्कशन या वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है कि वे सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई आगे भी थ्योरी जाए होंगे, जो इसी चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।